हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो करते हैं आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरी नींद अभी जाके खुली है। तो करते हैं आज का ब्लॉग ब्यूटीफुल से व्यू के साथ स्टार्ट। और ये रहा व्यू। और आपको आज के ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ। और अभी मैं उठ गई थी और ये पापा और रिशु दोनों कार्ड्स खेल रहे थे। और सबका ब्रेकफास्ट हो गया। ये है हमारा डाइनिंग एरिया जहाँ हम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर करते हैं। मैं आई हूँ बंजार अपने मायके, जो कि कुल्लू में आता है। और मैं मतलब मेरा मायका जो है कुल्लू में है, बंजार में। ये है आज का वेदर कंडीशन। अभी हो गया है दोपहर और हम दोनों बोर हो रहे थे क्योंकि मम्मी पापा भाई वो सब जो है अपने काम पे निकल गए थे। और तो हमने सोचा क्यों ना कार्ड खेले जाएं, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरे साथ एक लोल हो गई थी। मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही थी और मुझे पता नहीं था कि माइक जो है ऑफ है और मैं कंटिन्यू अपनी व्लॉगिंग चालू कर रही थी। बाद में मुझे पता लगा कि मैं ना मतलब जब मैं इवन जब क्लिप्स डाल रही थी आगे, तब मुझे पता चला कि ये तो म्यूट मोड में आई है। तो हम जो है आज पट्टू पहनने वाले थे। हम नहीं, मैं पट्टू पहनने वाली थी क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। तो मैंने अपनी कजन सिस्टर बुलाए थे, तो मेरी दोनों बहनें आई थी। ये मेरे दी है जो मुझे पट्टू पहनाएंगे। और वैसे ना इतनी अति हो गई थी, मतलब शायद 2 बार पहनाया इन्होंने मुझे। 2 बार क्या मतलब, पहनाया तो एक ही बार, बट ऐसा हो गया था कि कुछ सिस्टम अच्छा कुछ मतलब अच्छे से नहीं बन पा रहा था इनसे। तो क्योंकि इनको भी इतना आइडिया नहीं है। तो ये है हमारा कुलबी पट्टू जो कि मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने आज तक कभी नहीं पहना। मैं फर्स्ट टाइम पहन रही थी आज। मैंने मतलब इतने शादी से पहले भी कभी नहीं पहना, मतलब शादी के बाद भी मतलब कभी नहीं पहना है, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो ये, और ये है मेरी दूसरी वाली सिस्टर। तो दोनों दोनों मुझे पट्टू पहना रही थी और देखिए कैसे बना रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार। वैसे बहुत ज़्यादा टफ है इसको पहनाना भी। टफ नहीं है, मतलब जिसको आइडिया है ना वो तो कंटिन्यू वो मतलब पहना सकता है अच्छे से। जिसको नहीं है उसको थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इसका जो मतलब कमर में लगाने वाला होता है ना बैले टाइप, तो हम बोलते हैं उसको गाची। वो तो थी नहीं हमारे पास और मम्मी ने पता नहीं कहाँ रखी थी, वो भी नहीं पता था मुझे। तो दीदी ने ना कुछ जुगाड़ करके उसका प्रबंध कर दिया था। हे एवरीवन, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्लिप्स। अभी हो चुके हैं हम रील्स बना के फ्री और मैक्सिमम क्लिप्स भी निकाल ली है। इन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी बज रहे हैं 6:30 शाम के 6:30। हाय ब्रैनू, हाय ब्रैनू। मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी कि हम जो है लास्ट संडे को कुल्लू आ गए थे। बट मैंने ना पहले बिल्कुल से अच्छे से सारी प्लानिंग की थी कि जब भी मैं कुल्लू आऊँगी, मतलब मेरा मायका कुल्लू में है, तो जब भी मैं कुल्लू आऊँगी मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी वहाँ से लेकर के घर से आने तक, घर से लेकर के यहाँ तक का। बट आपको पता है आजकल मौसम ऐसा ख़राब रहता है। पिछले संडे वैसे तो मौसम ठीक था, बट फिर भी थोड़ा मुझे आलस भी बहुत हो रहा था। मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं थक भी गई थी और सडनली हमारा प्लान बन गया था आने का। अभी मैं यहीं रहूँगी, मतलब अब 5 डेज में भी 1 वीक तक ही हूँ। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि डेली ब्लॉग बनाऊँ, बट ऐसा होता है ना वैसे, एक तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब हद, दिन को तो वैसे ही ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, शाम को मेरा मन नहीं करता है, सुबह मैं सोई रहती हूँ। कहीं भी नहीं गई यहाँ पे कि जहाँ पे जाके ब्लॉग शूट करूँ, मेरा मन ही नहीं करता जाने का। गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो ये है शाम के टाइम का सुंदर सा नज़ारा। और वो है वहाँ पे बंजार बस स्टैंड। एक सेकेंड, हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। वो वाला वहाँ पे ये है। और उस साइड को है जिया का घर।
उस साइड को पीछे यहाँ से दिखती हूँ। आप नहीं दिख रहे जी अगर और जी ना इनकी बेइज्जती करा रही थी, आप बेइज्जती करा देती जी। मेरा छोटा भाई जो है काम कर रहा है बेचारा, इसके ऊपर घरेलू हिंसा की जा रही है। कहाँ गया वो, चले गया नीचे ना, घास लग गई है स्टेयर्स में थी तो साफ कर रहा है। इतनी गर्मी है ना यहाँ पे, कसम से स्वेटिंग 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 सुबह शाम दिन रात, पता नहीं मैं पहले कैसे रहती थी यहाँ पे यार इतनी गर्मी में। और मेरे को सच में रेस्ट जी नहीं रही हूँ। काफी टाइम मैं यहीं पे होती थी। ये हम हैं और ये हरियाली है। मैं ना आज मांग भरी है बहुत ज्यादा ज्यादा ही साइड से बोला इसमें क्योंकि मैंने पट्टू वेयर किया था तो मैंने सोचा मैं पहले अच्छे से फोटोज लूंगी, बट हो गया। सो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, मैं मजाक मत लाया करो। तो मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद, ये ना मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बोला जी, आप बोल लीजिए। क्या बोला जी, क्या बोला बोला जो यूपी में रहते हैं वो तीन ज्यादा ना इतनी कहाँ भरी है, मैंने यहीं तक भरी है यार। अच्छी बोलती इतनी भरी, यूपी वाले मांग नहीं भरते हैं समझे आप, इतनी ज्यादा वो इतनी ही भरते हैं, वो भरते ही नहीं है। देखी नहीं आपने जो गुब्बारे बेचने वाली होती है उनको ये टाइम रहा है मांग भरने का। बहुत कैसे इकट्ठा कैसे इकट्ठा तो अभी हो गए हैं हम डिनर करके फ्री और मैं मिलाती हूँ आपको ब्रैनो से। हे ब्रैनी, अच्छा ब्रैनो जी हब्जी रहती है ब्रैनो से। हेलो ब्रैनो, ये ना बीमार है बेचारा। और ये बैठे हैं ऊपर खेलने, सो ये है यहाँ का नाइट व्यू। स्माइली दे रही है अपनी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, और जिया की बातों पे गौर किया जाए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।